हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी किचन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दाल फ्राई बनाने जा रहे हैं, वो भी ढाबा स्टाइल, बिल्कुल पंजाबी दाल फ्राई वाली, जो हम हमेशा होटल्स में जाते हैं तो ऑर्डर कर लेते हैं। तो आज हम उसे घर पर बनाना सीखेंगे इंडियन स्टाइल में और बहुत ज़्यादा ईजी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है दाल और दाल को मैंने आधे घंटे तक अच्छे से धोकर भिगो कर रखा था और अब मैंने उसका पूरा पानी नीचे ऑब्जर्व कर लिया है और ये हमारी बिल्कुल सूखी सी दाल रह गई है। नॉर्मली हम हमेशा अरहर की दाल ही इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार मैंने अरहर और मूंग दोनों की दाल यूज़ की है। एक्चुअली जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है तो अरहर की दाल से 100% एसिडिटी बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये दोनों भी दाल मिक्स करके ली है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये दाल कुकर में डाल लेंगे। यहाँ मेरे पास एक कुकर है और अब हम ये पूरी दाल इस कुकर में डालते हैं। कप जितनी दाल ली थी मैंने, अब हम इसके अंदर इसके तिहाई कप पानी डालेंगे, मतलब 3 कप पानी डालेंगे। अब मैं इसमें 3 कप जितना पानी डाल दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो फ्रेंड्स, अब आधा चम्मच जितना नमक मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ और अब मिक्सचर को हम अच्छे से हिला लेंगे। अब इसे थोड़ा सा हिला लेंगे और ढक्कन पैक करके हम इसको गैस के ऊपर 3 से 4 सीटी ले लेंगे कि कुकर्स की सीटियाँ जल्दी जल्दी हो जाती है, तो आप इसको 1-2 सीटी एक्स्ट्रा लगा लेना। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 सीटियाँ लग गई है, कुकर को खोल लेते हैं, देखते हैं कि हमारी दाल पकी है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से पक गई है, ये देखिए। अब दाल को तड़का लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 टमाटर, थोड़े से लहसुन, थोड़ा सा अदरक जिसे मैंने ग्राइंड करके लिया है, और मैंने लिया है थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, और यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी मिर्च, और धनिया को भी मैंने बिल्कुल महीन काट लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस पर रख दिया है एक पैन, और पैन में हम डालते हैं बटर। मैंने इसमें डाला है बटर, अगर आप अच्छे घी का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इसे गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बटर अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच जितना जीरा। जीरे को हम अच्छे से फूलने देंगे। थोड़ी सी डाल देंगे राई। गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे। अब डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते, लहसुन। लहसुन को हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे। तो लहसुन को हम अच्छे से चलाते हुए ब्राउन कर लेंगे। इसी में डाल देंगे अदरक। अदरक को भी अच्छे से चला लेंगे। मिर्चों को भी डाल देंगे। अब डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स। प्याज में हल्का सा भूरा रंग आ गया, तो इसमें हम डालते हैं टमाटर। टमाटर हमें अच्छे से इसमें पूरे गला देने हैं। तो फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे से गल जाए इसके लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो आप इसे ढककर पका सकते हैं। मैं इसे 1 मिनट के लिए ढककर ही पकाऊंगी, जिससे कि हमारे ये टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर। हमने हल्दी पाउडर थोड़ी सी पहले डाल रखी है, तो अभी मैं थोड़ी ही डालने वाली हूँ। तो 1 छोटा चम्मच जितनी हल्दी पाउडर। अब इसको फिर से हिला लेंगे।
साथ हरा धनिया। फ्रेंड्स अब डाल देंगे हमारी उबली हुई दाल, उबली हुई वो पूरी दाल मैंने इसमें डाल दी है। तो फ्रेंड्स दाल में अब उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे गैस पर थोड़ा सा तड़का गर्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा और बटर डाल लिया है, थोड़ा सा बटर को मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स अब तड़का पैन में डाल लेते हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा अच्छे से फूलने देंगे, थोड़ी सी मिर्चें, और यहाँ मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैं डाल दूँगी लाल मिर्ची पाउडर। ये देगी मिर्च है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हमारे तड़के को हम साइड में हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दाल एक सर्विंग बाउल में निकाल ली है और अब इसके ऊपर से हम डालेंगे ये तड़का। तो देखिए फ्रेंड्स, और डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये डबल तड़के वाली दाल बिल्कुल बनकर तैयार है, ये देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स।